रिएक्शंस शोइंग एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स पार्ट टू हमने पिछले लेक्चर में देखा। लास्ट जो रिएक्शन था वो था डीहाइड्रोजनेशन यानी वी हाइड्रोजनेशन, जिसमें से हाइड्रोजन का जब रिमूवल होता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एल्कोहल तो वी गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं तो उसमें डीहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, इट अंडरगोज डीहाइड्रेशन यानी वाटर का रिमूवल होता है और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हॉट कॉपर जो कि 300 टू 350 डिग्री सेल्सियस पर से हम उसको पास करते हैं वेपर्स को अल्कोहल की, तब ये रिएक्शंस होते हैं। सो दिस वाज द डीहाइड्रोजनेशन इन द फर्स्ट द लास्ट लेक्चर विच आई टुक एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि एसिडिक नेचर शो करते हैं अल्कोहल्स उस पर है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन reaction, they also are the reasons of the acidic nature of the alcohols. तो वी हाइड्रोजनेशन की भांति ही ऑक्सीजन भी जिस प्रकार से अगर हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल्स का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो देते हैं हमें एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स जो होते हैं वो हमें देते हैं कीटोन्स एंड जो टर्शरी होते हैं दे इन अ सिमिलर वे गिव अस द एल्कीन्स और फिर उनका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें वो कीटोन्स देते हैं। तो व्हाट इज द टर्शरी, जो टर्शरी होते हैं दे गिव एल्कीन्स एंड देन दे गिव अ कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स और आई एम रिपीटिंग अगेन, जो प्राइमरी होते हैं वो हमें एल्डिहाइड देते हैं, जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं वो हमें कीटोन्स देते हैं और जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं वो हमें पहले तो एल्कीन देते हैं और फिर एल्कीन के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन जब उसका होता है तो दे गिव अस कीटोन। सो नाउ वी कम टू सम रिएक्शंस, लेट अस टेक द प्राइमरी एल्कोहल फर्स्ट। तो हम लेते हैं primary alcohol, that means it is the addition of oxygen and the reaction takes place in the presence of potassium dichromate, but is a very good oxidizing agent in the acidic medium. So the acidic medium in the H2SO4 we are taking and the result is RCHO plus water molecule is given. यहाँ पर जल का अणु निकल जाता है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बिकॉज नाउ हियर देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन राइट एंड देन इवन एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एल्डिहाइड। सो दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल्स देखें तो वहीं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम वी गेट अ कीटोन एंड देयर इज रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द चेंज एल्कोहल्स विच इज एल्कोहल विच इज सेकेंडरी इट गिव्स कीटोन। देन वी कम टू द टर्शियरी एल्कोहल, again addition of oxygen in the presence of potassium dichromate, a very good oxidizing agent in the presence of acidic media, we get an alkene first and then further oxidation we get a ketone.
तो दिस इज़ विद द टर्शरी एल्कोहल। तो ऑक्सीकरण के लिए हम सामान्यतः एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय डाइक्रोमेट या अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं तथा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी तनु नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर इन दिस प्रेजेंस इन प्लेस ऑफ दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट इफ़ वी हैव एसिडिक और एल्कलाइन हम अगर लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और वी कैन ऑल्सो यूज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 देन ऑल्सो वी गेट द सेम रिएक्शन। सो देर इज नो नीड ऑफ गेटिंग द कन्फ्यूजन। एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड यानी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज़ अ वेरी गुड रिएजेंट, एक ये विशिष्ट अभिकर्मक है जिसकी उपस्थिति में यदि किसी सेकेंडरी एल्कोहल को एसीटोन के साथ हम रिफ्लक्स करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण और एसीटोन का अपचयन हो जाता है। दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर हम शो कर सकते हैं कि एक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एसीटोन का रिडक्शन होता है। तो लेट अस सी दिस रिएक्शन, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ नोन एज ओपेन्योर ऑक्सीडेशन, ओपेन्योर ऑक्सीकरण कहलाती है और ये विशिष्ट प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हम देखते हैं ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें हम एक सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, लेट अस टेक 2-butanol एंड इफ इट इज रिफ्लक्स्ड विद एसीटोन then by this these two refluxing in the presence of aluminium tertiary butoxide this is aluminium tertiary butoxide या aluminium tritiyak butoxide, ये जो विशिष्ट अभिकर्मक है इसकी उपस्थिति में this converts to a ketonic group and this gets converted to an alcoholic group. So we can say here कि यहाँ पर oxidation होता है क्योंकि हम जानते हैं alcohols का oxidation होके वो carbonyl compound में convert होते हैं. So this gets converted to a ketonic group and this get reduced to an alcoholic group. This way. So I will just show you in the same reaction. यहाँ पर जो changes आते हैं और इधर भी changes आ रहे हैं तो acetone is converting into यहाँ पर ये acetone था, this is converting into an alcohol. This is OH. Reduction हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो आई एम गिविंग द फाइनल रिएक्शन नाउ, वी गेट अ ब्यूटेनोन एंड अनदर मॉलिक्यूल वेयर द एसीटोन गेट्स कन्वर्टेड to a secondary alcohol and this is isopropyl alcohol.
और दिस इज प्रोपेन टू ऑल. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग. What do we get here? That primary alcohol gets converted to aldehyde, secondary alcohol gets converted to a ketone, while tertiary alcohol gets converted to an alkene. And then alkene converts to a ketone by the oxidation reactions.